फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक वाई बायोटेक के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीनियर रिसर्च फेलो एंड जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट आई हुई है एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है एट डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में वैकेंसी आई हुई है। ओके, डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में ये वैकेंसी है एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ओके, ऑनलाइन इंटरव्यू है, ऐसा पता है आपको, COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है, सारे इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं एंड द लास्ट डेट इज 30 सितंबर 2021 तक आपको फॉर्म भेज देना है। तो आज 16 है, आपके पास 15 दिन है, 14-15 दिन है। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द ईमेल एड्रेस आपका ये है lekasnair@gmail.com पे, इस एड्रेस पे आपको अपना अप्लीकेशन भेज देना है। ओके, बाकी डिटेल जानकारी आपको IRI की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंगल कॉपी PDF आपको भेजना है। अगर आपको इंस्टीट्यूट देखना है, डिवीजन देखना है, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, पोजीशन है जूनियर रिसर्च फेलो JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 भी इसको बोल सकते हैं, DBT फंडेड नेटवर्क प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है जर्म प्लांट कैरेक्टराइजेशन एंड ट्रेट डिस्कवरी इन वीट यूजिंग जीनोमिक अप्रोच एंड इट्स इंटीग्रेशन फॉर इम्प्रूविंग क्लाइमेट रिसाइलियंस प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। आपको इसमें जीनोमिक सिलेक्शन भी का काम होगा। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट गेट है तो आपको 31,000+24% एचआरए मिलेगा। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तो 25,000+24% एचआरए आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंसेस, प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी विथ प्लांट फिजियोलॉजी, या ठीक है, ये सारा डिटेल है। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 या 5 ईयर का है तो आपको नेट गेट नहीं चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 या 5 ईयर का नहीं है तो आपको नेट चाहिए, गेट चाहिए, आइदर आप PhD होना चाहिए। ओके, डिजायरेबल में आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस इन वर्किंग फील्ड क्राफ एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ये डिजायरेबल है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सेकेंड हम बात करेंगे, अगेन जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलो सर प्रोजेक्ट है, DST का प्रोजेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ miRNA एंड टारगेट mRNA एंड एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन कल्टिवेटेड एंड प्रोजेनाइटर बेस्ड सिंथेटिक एग्जाप्लाइड वीट पे है, ये गेहूं पे है। mRNA के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या इसका रोल है, कैसे है, आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। सेम इसमें भी है, 31,000+24% एचआरए विथ नेट गेट और 25,000+24% एचआरए विदाउट नेट गेट। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तो आपको इतना मिलेगा। दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, एग्रीकल्चर साइंसेज में आपका प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजियोलॉजी। ओके, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है 4 to 5 ईयर का है तो आपको नेट गेट नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नेट UGC CSIR ICR नेट होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ये सब मैं रैंडम कोड किया है, आप ये डिटेल देख सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, अप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिए। अप्लीकेशन फॉर्म आपको ये, आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। डू नॉट सेंड योर CV, बहुत लोग CV भेज देते हैं तो वो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो जाते हैं। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को दे विल शेयर द लिंक फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके, वो 30 सितंबर के बाद ही भेजेंगे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छा डिवीजन है। अगर आपको वीट में काम करने में इंटरेस्टेड है, प्लांट साइंस में काम करने में इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, होप इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आजकल डेली मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।